नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गांधी स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी प्रोवाइडर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएसएफ का जो हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरा था उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसका लिखित परीक्षा दिनांक 22 सितंबर 2019 को आयोजित किया जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी को जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है studyprovider.com का, वहाँ से आप जाकर के इस पर चले जाइएगा और वहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे लिखा हुआ है BSF हेड कॉन्स्टेबल RORM एडमिट कार्ड डाउनलोड, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको एक नया विंडोज खुल जाएगा, ये हमारा वेबसाइट ही है। उसके बाद इस ये वेबसाइट पर नीचे आइएगा आपको, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक दिया हुआ है, इस पर डाउनलोड क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड लिंक पर चला जाइएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि BSF का जो ऑफिशियल लिंक है डाउनलोड बटन का, उसका बहुत बड़ा है जो कि हम यूट्यूब में नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद ये डाउनलोड बटन पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस सामने एक नया विंडोज खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है, आपने जो आवेदन किया था उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर और उस टाइम जो आपने पासवर्ड दिया था वो आपको यहाँ पे ज़रूरी है, वो आपको लगेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप नीचे फॉरगेट का बटन है, फॉरगेट का बटन दबा करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुद दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है और पासवर्ड में जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो डाल दीजिएगा। मैंने अभी डाउनलोड किया है खुद से एडमिट कार्ड अपना, तो मेरा पासवर्ड इसमें सेव हो गया है। उसके बाद ये नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको ध्यान से फिल कर देना है, जैसे इसमें दिया हुआ DC4QSA। उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद ये मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा यहाँ साइड में दिया हुआ है व्यू एंड डाउनलोड का एडमिट कार्ड का, तो व्यू एंड डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे में प्रिंट एडमिट कार्ड का बटन है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना पेज जो है A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ISO A4। उसके बाद जो है आप यहाँ PDF का यहाँ जो बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपका ये PDF जो है वो सेव हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और किसी भी तरह की परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।